मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें उन्होंने बदमाशों पर घोषित पुरस्कार राशि को भी बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही शहीद हुए पुलिस जवानों के नाम पर सड़क और स्कूल का नाम रखने का भी फैसला लिया है। आपको बता दें कि इनामी बदमाशों पर घोषित होने वाली पुरस्कार राशि बीते 26 साल से ही नहीं बढ़ाई गई थी, और जिसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी स्तर पर 10 गुना करने का प्रस्ताव भेजा गया था, और जिस पर अब सीएम की सहमति मिल गई है, और जिसको लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि अब डीजीपी स्तर से पुरस्कार राशि 2 लाख तक घोषित की जा सकती है। इनामी अपराधी हुए तो पुरस्कार धनराशि में वृद्धि की जाएगी, और शहीद पुलिस कर्मियों के नाम पर स्कूल सड़क का नामकरण किया जाएगा, जो भी उनके गांव के आसपास के होंगे या उनके गांव के आसपास या उनके क्षेत्र के आसपास जहां उनका निवास स्थान होगा उस स्थान का किया जाएगा, और पुलिस विभाग के प्रशिक्षण केंद्रों में अतिथि वार्ताकारों के मानदेय में उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल की भांति इसमें वृद्धि की जाएगी। देहरादून में राज्य पुलिस संग्रहालय मेमोरियल की भी स्थापना की। पुरस्कार राशि पिछले 26 सालों से 94 से मैक्सिमम राशि 20,000 थी, डीजीपी के लेवल पर एसएसपी की 2,500 थी, डीआईजी की 5,000 थी, आईजी की 10,000। अब उसमें यूपी में वो 3 बार में चेंज होकर 10 गुना हो चुकी है, तो हमने प्रस्ताव भेजा था कि डीजीपी की मैक्सिमम पावर 2 लाख हो और इनकी एसएसपी की 25,000, उन्होंने उसके अनुरूप ही शासन ने स्वीकार किया उसका।